नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाल शर्मा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं नाम के द्वारा वशीकरण करने के टोटके। सिर्फ एक कागज पर नाम लिख करें वश में किसी को भी। अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, आप भी किसी के नाम से वशीकरण करना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल टोटके आपको बताने वाले हैं नाम से वशीकरण करने के। दोस्तों, नाम से वशीकरण बहुत ही सरल विधि है जिसे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा और जानिएगा इस प्रैक्टिकल टोटके को। दोस्तों, नाम से वशीकरण करने के लिए आपको सिर्फ एक कागज चाहिए होगा और साथ में आपने एक धूप भी डिब्बी चाहिए होगी जिसमें आपने धूप जलानी है। दोस्तों, कागज पर आपने जिसका भी वशीकरण करना है उसका 21 बार नाम लिख लेना है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ राम, आपने 21 बार इस नाम को लिखना है और उसके बाद आपने एक वशीकरण मंत्रा को इसी कागज के ऊपर लिख लेना है। वशीकरण मंत्रा इस प्रकार से है, ओम कृष्णाय कुरु कुरु स्वाहा। ये वशीकरण मंत्रा है, इसका आपने जाप भी करना है और इसे कागज पर भी लिख लेना है। दोस्तों, आपने इसका जाप सुबह शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठ प्रातः काल में स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन इसी एकांत कमरे में बैठकर जाप करना है। ये जाप आपने 251 बार करना होगा। इस टोटके को आपने 3 दिन तक लगातार करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आपका 251 बार जाप समाप्त हो जाए तो आपने इस कागज को फोल्ड कर और किसी भी परांठे के साथ इसे लपेट देना है। जैसे मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है और किसी भी परांठे के साथ इसे लपेट देना है और इसे किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां से कोई छू ना पाए। अगले दिन फिर से आपने इसी को खोलना है और उसी के नीचे आपने 21 बार फिर से नाम लिखना है, वशीकरण मंत्र को लिखना है और जाप करना है। और जैसे ही आपके 3 दिन समाप्त हो जाएं तो आपने इसे किसी भी बहते पानी में जाकर बहाना है। इस तरीके से जैसे ही आप जितनी जल्द ये विधि संपन्न कर देंगे आपका वशीकरण हो जाएगा। जिसका भी आपने वशीकरण किया है वह आपकी पूरी तरह वश में हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आप उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों, ये थे कागज पर नाम लिख वशीकरण के प्रैक्टिकल टोटके। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी हो, कहीं पर कुछ समझ ना आए या कोई दिक्कत परेशानी होने पर आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।